हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का लेसन 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे युद्ध अवधि के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति के बारे में। राष्ट्रवादी राजनीति की विचारधारा किस प्रकार से विकसित हुआ युद्ध अवधि की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध का जो दौर था पूरा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। गुलाम होने के कारण से भारत के जो पूरी व्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थी। तो उस व्यवस्था के दौरान में, उस गुलामी के दौर के दौरान में भारत के अंदर में नई नई तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, विकसित हो रही थी। उन्हीं विचारधाराओं में से एक विचारधारा थी राष्ट्रवाद की विचारधारा। जब ये युद्ध शुरू होता है 1914 के अंदर में और 1917 तक चलता है, तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो अपनी प्रखर पर पहुंच जाती है और राष्ट्रवादी राजनीति के तौर पर अपना विकास करती है। तो किस प्रकार से विकास हुआ, क्या क्या चीजें हुई, इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इसको हम टोटल 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, ये पार्ट 1 रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पार्ट 1 को कवर करते हैं। पार्ट 1 के अंदर में हम बात करेंगे कि भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियोज में हमने ऑलरेडी बना रखा है, पर दोबारा यहाँ पे हम कवर करते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं ना किसी भी चीज का प्रभाव के बारे में, तो नॉर्मली कई तरीके से उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर मानव के सभी पक्षों को देखोगे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, तो हम देखते हैं वहां पर राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे मेनली प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज का। युद्ध के अगर बारे में बात करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे अभी लेके चलो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी हम गुलामी के दौर में तो नहीं है, पर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में है, जिसके कारण से हमें ये चीजें वापस से प्रभाव के तौर पर देखने के लिए मिलती है। हमें उस युद्ध का कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है, सामाजिक तौर पर भी देखने के लिए मिलता है और आर्थिक तौर पर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप उसको युद्ध को एनालाइज करोगे, भारत के रोल को एनालाइज करोगे, तब आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर में। यहाँ पे सबसे पहला चीज ये देखने के लिए मिलता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की जनता से मदद मांगी जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि यार हम पहले से ही गुलाम है तुम्हारे, हम आपकी क्या मदद करेंगे, हम तो गुलाम है, हमें तो गुलाम बना के रखा है, हमें किस पर लायक छोड़ा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे मदद इस प्रकार से मांगी जाती है कि सेना की जरूरत पड़ती है ब्रिटिश सरकार को। अब जब सेना की जरूरत पड़ती है तो वहां से भारत की जनता से कहा जाता है कि आप हमारी तरफ से लड़िए। ठीक है, जो भी युद्ध हो रहा था, जिनसे भी युद्ध हो रहा था, उनके लिए आप हमारी तरफ से लड़िए। ठीक है, ये कहा जाता है। जहां पे भारत की जो जनता थी वो दो गुट में बढ़ जाता है। एक लोग ऐसा समर्थकों का लोग था जो इसका विरोध कर रहे थे कि हमें जो ब्रिटिश सरकार है उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, युद्ध के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए ब्रिटिश सरकार के लिए। वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था कि हमें ब्रिटिश सरकार की मदद करनी चाहिए। इसका मेन रीजन क्या था कि उस समय भारत के अंदर में अलग अलग जगह पे स्वशासन की मांग हो रही थी। स्वशासन होता क्या है, मतलब स्व मतलब अपना, शासन मतलब राज करना, खुद राज करें, अपना स्वतंत्रता मिले, इसके लिए ना अलग अलग जगह पे क्रांतिकारी योजनाएं चल रही थी भारत के अंदर में, आंदोलन चल रहे थे। पूरा आंदोलन का दौर था 1914 से लेकर 1917 और आगे का जो टाइम पीरियड रहा, इस तरह का दौर था। तो उसके कारण से कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार की मदद करते हैं तो हमें स्वशासन मिलने में आसानी हो जाएगा, स्वशासन का जो रास्ता है ना, प्राप्त करने का रास्ता, वो सरल हो सकता है और भारत तो स्वतंत्र हो सकता है, ये भी मानना था। जिसके कारण से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया और जो भारतीय सैनिक थे वो युद्ध के अंदर में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और उन्हें अनेक मोर्चे पे लगाया जाता है, अलग अलग जगह पे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अनेक मोर्चों पे वो खड़े होते हैं। साथ साथ में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जाते हैं, बुरी तरह से घायल होते हैं, सैनिकों को भूखे मर गए, बहुत सारे जो सैनिक थे वो भूखे मर जाते हैं और बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, किस तरीके से इम्पैक्ट रहता है, तो भारत को जीवन की तो हानि होती ही होती है। ठीक है, जान मान की तो हानि हुई हुई, साथ साथ में युद्ध से भारी कर्जा भी भारत के ऊपर में बढ़ जाता है। किस तरह से, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, अब मतलब जैसे देखो, अगर मैंने किसी को गुलाम बना रखा है, किसी के घर को मैंने कब्जा कर रखा है, तो अगर उसके घर में कुछ नुकसान हुआ तो उसका भरपाई भी मुझे करना पड़ेगा ना। सपोज करो मेरा ये वाला घर है, ए नंबर वाला घर है, मैंने बी नंबर वाले घर पे जबरदस्ती जाके कब्जा कर लिया। अब बी नंबर वाले घर का नलका खराब हो गया तो भैया बी वाले का घर भी तो मेरा ही हुआ ना, तो उसके ऊपर बनवाने का खर्चा किसका पड़ेगा, मेरा ही पड़ेगा। तो जो भी नुकसान हो रहा था ना भारत के ऊपर में भी उसका खामियाजा भगतना पड़ रहा था। नॉर्मली मैं कोशिश ये करूंगा, जब भी मैंने दोनों घर कब ले रखे हैं, ए वाला तो मैंने खरीदा, ये मेरा पर्सनल है, मैंने बनाया ए वाला, बी वाला मैंने कब्जा किया, तो इसके ऊपर मेरा प्यार कम रहेगा, इसके ऊपर मेरा प्यार ज्यादा रहेगा, तो मैं सोचूंगा कि ये वाला मेरा रखाव ज्यादा अच्छे से करूं, इस वाले का चलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं करना चाहूंगा। तो सेम यहाँ पे भारत के साथ में भी किया जा रहा था।
जैसे कि जो भी खर्चा था, जैसे आप युद्ध में पार्टिसिपेट किए, ठीक है, तो जान माल की जो हानि हुई, युद्ध के अंदर में जो क्षति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या हो रहा था, भारत को अलग अलग जगह से यहाँ पे आर्थिक मार झेलनी पड़ रही थी, टैक्स का बोझ पड़ता जा रहा था, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे हमें लोगों के ऊपर में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप आगे बात करोगे तो जिनका जिन लोगों की आर्थिक जीवन के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ा, जैसे जैसे कर्जा बढ़ता चला गया, लोगों के आर्थिक जीवन पर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। भारत के अंदर में करों का जो बोझ था ना, जो टैक्स का बोझ था, वो उसके नीचे दबते चले जाते हैं, जो लोग थे वो टैक्स के नीचे दबते चले जाते हैं। अनेक कर नए नए इंक्लूड किए गए, करों के जो परसेंटेज थी उसके अंदर में वृद्धि की गई। जैसे आप देखोगे तो भू राजस्व कर लाया गया, नमक कर लाया गया, और अन्य तरह के अदर टैक्सेस भी यहाँ पे ऐड किए गए। नमक के ऊपर में भी टैक्स लगाया गया, जमीन के ऊपर में भी टैक्स लगाया गया। पहले क्या होता था कि आपकी कितनी फसल हुई, कितना पैदावार रहा, उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता था, पर बाद में क्या कर दिया गया, आपका जमीन है तो टैक्स भरो। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें की गई। 1917 के अंदर में सबसे पहली बार सुपर टैक्स लाया गया और आज तक वो चल रहा है। सुपर टैक्स होता क्या है, तो एक प्रकार का इनकम टैक्स है जो सैलरी के ऊपर लगाया गया। आपका 200 रुपए सैलरी है तो आपको इतने रुपए का टैक्स देना है, आपका इतने रुपए सैलरी है तो इतने रुपए का टैक्स देना है। तो सैलरी के ऊपर में भी एक टैक्स लगाया गया जिसको आज हम इनकम टैक्स बोलते हैं, और 1917 में उसको सुपर टैक्स के नाम से जाना गया। ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह के नए नए तरीके से यहाँ पे टैक्स का बोझ बढ़ा। यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना कर का बोझ बढ़ा भारत के ऊपर में, तो कर का बोझ नहीं था कि भारत ने लोन ले लिया किसी से, जो चीजें थी वो तो चली रही थी, उस हिसाब से तो चली रही थी, पर साथ साथ में इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों का। अब भारत ने लोन लिया तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये यहाँ पे नहीं आता कि यार उसने लोन लिया तो मेरा क्या है, मेरा घर तो सही से चल रहा है। नहीं, वहां पे अगर भारत लोन ले रहा है तो भारत चुकाएगा कहां से, नौकरी करने थोड़ी ना जा रहा, कहां से चुकाएगा, तो आपका टैक्स बढ़ा देगा। अलग अलग चीजों की सुविधाएं जो आपको फ्री में मिलती है ना, उसके ऊपर में वो रेट बढ़ा देगा, उस जिसके कारण से आपको वो चीजें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे बी आर टामलिस करके यहाँ पे आते हैं, इनके द्वारा कहा जाता है आर्थिक प्रभावों की यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, किस तरीके से आर्थिक प्रभाव पड़ा। यहाँ पे कहते हैं कि बिना भू राजस्व के प्रति व्यक्ति कर का जो भार था 1914 से लेकर 1915 के अंदर में, वो 1.5 रुपए से बढ़कर 1918 से लेकर 1919 के अंदर में 2.5 रुपए का हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रति व्यक्ति भू राजस्व जो हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो जमीन का कर होता था ना, जमीन का जो भार होता था, टैक्स बनाता था कि कितना टैक्स पे करना है, तो 1914-1915 में 1.5 रुपए था, 1.5 रुपए से बढ़ाकर 1918-1919 के अंदर में वो 2.5 रुपए कर दिया गया था। तो सोचो आज के समय में 1.5 रुपए-2.5 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है। जो छोटा बच्चा आज पैदा हुआ है ना, वो भी 1.5 रुपए-2.5 रुपए पकड़ना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, वो 500-1000 की बात करता है। तो उस समय 1.5 रुपए-2.5 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस तरीके से ट्रेड का यहाँ पे टैक्स का इजाफा हमें देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कि लड़ाई की अवधि के दौरान में भारत सरकार ने 105 करोड़ से अधिक रुपए जो थे नए स्थायी ऋण के तौर पे भार उठाया था। अलग अलग जगह से लोन लिया, भैया ये वाला सामान गिरवी रख ले, मुझे लोन दे दे। ठीक है, इस तरीके से 105 करोड़ रुपए लिया और 108 करोड़ रुपए से अधिक का ना जो आपातकालीन भार के तौर पे वहन किया। ठीक है, टोटल मान लो 105 करोड़ रुपए अलग अलग जगह से नए स्थायी ऋण के तौर पे कि मुझे लोन चाहिए उस तरीके से ले लिया, और 108 करोड़ रुपए और आपातकालीन मतलब इमरजेंसी लोन के तौर पे उन्होंने उठाया। इसकी अगर देखोगे ब्याज की आयदगी जो थी ना, कितनी ज्यादा ब्याज दिया जा रहा था, तो 1917 से लेकर 1918 के दौरान में टोटल जो ब्याज दिया गया वो 10.9 करोड़ का था। ठीक है, 10.9 करोड़ का ब्याज दिया गया, वहीं पर 1918 से लेकर 1919 के दौरान में 12.2 का यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे ब्याज दिया गया। ठीक है, 105 करोड़ और 108 करोड़ के हम ब्याज की बात कर रहे हैं कि कितना कितना ब्याज दिया गया 1917 से 18 के बीच में और 18 से 19 के बीच में। यहाँ पे हमने ब्याज के बारे में बात किया। जो कर का भार था वो भारतीयों की जनता के ऊपर में प्रतिकूल पड़ता रहा। ठीक है, उसके ऊपर पड़ा, भारतीयों की जनता के ऊपर में इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। टैक्स का किस तरीके से इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जो खाद्य पदार्थ है उनकी कीमतें में वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, सैनिक के भोजन के लिए जो खाद्य वस्तु होते उसके निर्यात बाहर से करना पड़ता है या फिर उसकी चीजों को बढ़ाया जाता है, क्योंकि इस तरह का एक स्थिति बन गई थी कि भारत के जो सैनिक थे उनके खाने के लिए भी वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी, प्रॉपर मात्रा में नहीं थी। ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती है। यहाँ पे अगर आप छठे पॉइंट की ओर जाते हो तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भू स्वामी जो किसान हुआ करते थे, अपनी जमीन का मालिकाना अधिकार अजोतदार वर्गों को देना पड़ा। अब जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे ना, तो उनका क्या होता था, जमीन नीलाम कर दी जाती थी कि भैया आप टैक्स नहीं दे पा रहे, जो देगा उसको हम दे देंगे। तो जो अजोतदार होते थे ना, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, अजोतदार जो जोतने का काम नहीं करते थे खेत को, उनका मेन क्या होता था कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर से एक तरह से, ठीक है, आज के समय के धन्ना सेठ है जिन्होंने प्रॉपर्टी को खरीद लिया, उस पर वो खेती करने थोड़ा जा रहे, वो क्या करते थे उसको लेकर उसको रख देते थे, कुछ समय तक पड़ा रहता था। तो अजोतदार वर्गों को वहां पे दे दिया जाता था किसानों के द्वारा।
ठीक है, किसानों का जो मलिकाना हक होता था ना जमीन पे, वो अजोतदारों को देना पड़ता था। इसके रीजंस कई सारे होते थे। पहला रीजन तो यही होता था, टैक्स ना चुकाना। अगर आपके पास टैक्स नहीं है तो आपका जमीन नीलाम हो जाएगा, अगर आपने ये चीज नहीं किया तो इसके कारण से चला जाएगा, अगर आपने नील की खेती करने से मना कर दी तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रीजंस होते थे जिनके कारण से चीजें उनको झेलना पड़ता था। युद्ध के दौरान में उद्योगों का विकास भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। किस तरह का उद्योग का विकास हुआ, जैसे आप देखोगे ना युद्ध हुआ तो यहाँ पे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके बीच में बहुत सारे कंट्री, इवन भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपना बेनिफिट निकाल रहा है। हम ऑयल्स को लेकर, जो हमारा जो ऑयल है, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसको लेकर हम अपना बेनिफिट कहीं ना कहीं साध रहे हैं, ठीक है। हमें एक मौका मिला कि सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रीज है वो हम अपने यहाँ पे स्थापित कर सके, नए नए उद्योग हम अपने यहाँ पे स्थापित कर सके, एक मौका मिला। हमें एक मौका मिला कि हम अनाज की सप्लाई, गेहूं की सप्लाई पूरे दुनिया में कर सके, ठीक है। हमने उसके अंदर में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया। और ये मौका कैसे मिला, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के अंदर में वॉर चल रहा था और सबसे बड़े गेहूं के सप्लायर वही दोनों थे, ठीक है। सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज था उसका प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, जिसके कारण से हमने अपने भारत के अंदर में ये चीजें सेटअप करने की कोशिश करी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि हमने युद्ध के दौरान में जो ये भी चीजें चल रही थी ना, वहां पे हमने उसका बेनिफिट, प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश किया। युद्ध के दौरान में जो उद्योग थे उनका विकास करने की कोशिश करी। और देखोगे ना यूक्रेन और रशिया के आसपास में कई सारी कंट्री है, ठीक है, जो इराक, ईरान, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने जो हथियार है ना वो विकसित कर रहे हैं। चीन है, वो अपने हथियार का टेस्ट कर रहा है। एक तरह से अमेरिका है, वो क्या कर रहा है भैया, वो क्या लग रहा है फ्री में कर रहा है चीजें, नहीं बिल्कुल नहीं, वो अपने एक तरह से हथियार का टेस्ट कर रहा है, जो बहुत समय से बनाकर पड़ा हुआ था, जो टेस्ट नहीं हुआ था उसको वो टेस्ट कर रहा है। एक तरह से उद्योग का, जो अपनी इंडस्ट्रीज है ना उसको फैला रहा है, विकास कर रहा है। बड़े उद्योगपतियों ने खूब लाभ कमाया, इससे खूब मुनाफा कमाया। और आज भी आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है ना उसके दौरान में सिर्फ नुकसान गरीब का है, मिडिल क्लास का है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको बेनिफिट है। मान लो कोई ऐसा उद्योगपति जो बहुत बड़ा बीट एक्सपोर्टर है, जो मतलब गेहूं का उत्पादक है, ठीक है, या गेहूं का लेन देन करता है, तो उसके लिए तो बेनिफिट है। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर चला, रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण से हमारे कई सारे जो हवाई जहाज के उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर कहीं जगह पे कई सारी चीजें को प्रॉब्लम है, या जो पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े लोग है जो पेट्रोल का काम करते हैं उनको बेनिफिट होगा कि हमें सस्ता तेल मिल रहा है, वहां से हम महंगे रेट में आकर बेच रहे हैं, तो वो तो फायदा कमा रहे हैं ना, हमारा यहाँ पे नुकसान देखने के लिए मिलता है। वस्तुओं के दाम बढ़ने से और कम मजदूरी होने से मजदूरों को पर्याप्त जो कमाई होता है वो नहीं मिल पाता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसको पर्याप्त अर्न करने के लिए वहां पे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप मजदूर कई बार हड़ताल भी कर लेते थे। यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिल जाती थी। जब मजदूर को चीजें नहीं मिलेंगी, प्रॉपर अर्निंग नहीं होगा तो खाएगा क्या, करेगा क्या, ठीक है, प्रॉपर दाम नहीं मिलेगा, दाम नहीं है तो क्या करेगा, तो उसके कारण से वो हड़ताल भी करते थे। भारतीयों ने ना चाहते हुए भी सेना में भर्ती होना पड़ा। जो भारतीय लोग थे उनकी इच्छा नहीं थी कि वो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय सेना में भर्ती हो और भारत के रोल पे वहां पे ब्रिटिश सरकार के लिए लड़े, ऐसा वो नहीं चाहते थे। फिर भी उनके साथ जोर जबरदस्ती करके वहां पे उनसे पार्टिसिपेट करवाया गया, ठीक है। भारतीयों के प्रत्येक वर्ग ने युद्ध में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और समन्वय असामान्य प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं था कि वो ये सोच के लड़ रहे थे कि यार हम गुलाम है, चलो लड़ लेते हैं, मजबूरी में लड़ रहे, ऐसा नहीं। उन्होंने अपनी जो क्षमता थी ना उससे ज्यादा कहीं अच्छे तरीके से लड़ा। कभी हम बात करेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में भारतीय थे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया गया, क्या चीजें थी, क्या रोल था उनका, क्या इंपॉर्टेंट रहा उनके लिए, वो चीजें मैं वहां पे कभी भी किसी और वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगे, काफी सारे राइटर्स ने इसके ऊपर में बुक लिख रखा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में भारतीय सेना पार्टिसिपेट करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में वहां पे उसका क्या रोल था उसके बारे में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। तो वहां पे ऐसा नहीं था कि बस ना यार मैं गुलामी में लड़ा रहा है, बंदा गुलाम बना के लड़ा रहा है तो लड़ लेते, एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देते, ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लड़ा गया, प्रॉपर निष्ठा के साथ में, समन्वय के साथ में लड़ा गया। जिस भी मोर्चे पे वो खड़े होते थे ना उस मोर्चे को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता था, उस मोर्चे को हराना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लोगों के लिए ये चीजें यहाँ पे देखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे देखा जाता है संभवतः इस तरह इसलिए किया गया जिससे ब्रिटिश सरकार ना सुशासन की उनकी सहायता कर सके। देखो यहाँ पे ये भी जो भी बड़े बड़े इतिहासकार हैं या फिर राजनीतिक विषय जो थे उनका ये मानना था ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी कि लोग जो भी ना इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे या सेना में पार्टिसिपेट किए या अलग अलग जगह से जो हेल्प कर रहे थे उनका ये मानना था कि शायद अगर हम इस तरह की चीजें करेंगे ना तो जो ब्रिटिश सरकार है वो हमें सुशासन दे देगा, हमें स्वतंत्रता दे देगा या स्वतंत्रता पाने में हमारी सहायता करेगा, इसके कारण से वो इस तरह की चीजें कर रहे थे। परंतु उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्हें राष्ट्रवादी नेताओं को निराशा हाथ लगी। जो भी राष्ट्रवादी नेता थे ना जो अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखकर चलते थे कि हमारा राष्ट्र की बातें सही है, ऐसा करना सही है, ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा,
इस तरह की जो इनकी विचारधारा थी ना, राष्ट्रवादियों की विचारधारा, वहां पे उन्हें निराश होना पड़ता है। इसका मेन रीजन ये रहता है कि जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया युद्ध के अंदर में, तो ऐसा नहीं था युद्ध के अंदर में पार्टिसिपेट करना, चलो लड़ाई हो रहा है हमारे दोस्त को मारा है तो हम भी मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं था भैया। मेन रीजन ये था कि उनको ये लगा कि अगर हम इनको हेल्प करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, तो क्या पता ये हमारे ऊपर दया खा जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हमें स्वतंत्रता प्रदान कर दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे इसके ऐसा नहीं था कि अब इसका सब कुछ लॉस ही लॉस हो रहा है इस युद्ध का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसके इम्पैक्ट भी, अच्छे इम्पैक्ट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के अंदर में सहायता के बदले में कुछ नहीं दिया, परंतु भारतीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की स्थापना, सुशासन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पुनर्निर्माण का अवसर मिला। ये जो पूरा टाइम पीरियड था ना 1914 से लेकर 1917 का, जहां पे हम तो समझ गए कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, वो हमारे हेल्प के बदले में हमारी मदद नहीं करने वाली, जो पहले तय हुआ था वो ऐसा नहीं होने वाला है, पर एक तरीके से ना पूरे देश के अंदर में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जग जाती है, सुशासन को प्राप्त करने की जो रणनीति है उसका निर्माण शुरू हो जाता है, और दोबारा से एक बार पूरी तरीके से रिएक्टिव होकर उन चीजों को किया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जैसे कि आप देखोगे स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, वहीं पर हम अपने देश के प्रति आजाद होने की भावना लेकर आ जाते हैं, पर कहीं भी हम उसके अंदर में एक्टिव नहीं दिखते हैं। पर 1917 के बाद से ये चीजें बढ़ जाती हैं, उसके लिए रणनीति बनती है टोटल प्रॉपर, कि किस तरीके से हम इसको जीत सकते हैं, किस तरीके से हम इसको स्वतंत्रता दिला सकते हैं, फ्रीडम दिला सकते हैं, उसके बारे में वहां पे बात की जाती है। युद्ध के दौरान में क्रांतिकारी कार्रवाइयों में तेजी से वृद्धि होती है। जब युद्ध के अंदर में ब्रिटेन फंसा रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े संगठन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से एक्टिव किया जाता है लोगों को, जो अलग अलग तरीके से वहां पे हर मोर्चे पे खड़ा होता है और क्रांतिकारी कार्यवाही होती है उसको तेजी से वहां पे प्रसार करता है। भारतीयों के लिए सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव होम रूल आंदोलन का विकास माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा ना, जिसमें हम होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या है, किस प्रकार से विकसित हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार को चिंता में डाल दिया गया, जो होम रूल आंदोलन था ना, मतलब भारतीयों के लिए जो सकारात्मक प्रभाव के तौर पर होम रूल आंदोलन का विकास माना जाता है, जिसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार था वो कहीं ना कहीं चिंता में आ जाती है कि किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं। यहाँ पे 12वें पॉइंट के अंदर में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 1918 से लेकर 1919 का जो टाइम पीरियड था और 1920 से लेकर 19 का जो 21 का टाइम पीरियड था, देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई इस टाइम पीरियड के अंदर में। ठीक है, फसल खराब हुई, महामारी जैसा दौर शुरू हो गया था। ठीक है, खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया था। ठीक है, फ्लू जैसी समस्याएं आ गई थी। और 1921 की जनगणना के मुताबिक ये देखा गया कि महामारी के कारण से, अलग अलग रीजंस के कारण से 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, भारत के अंदर में। अब ये सारा कुछ यहाँ पे माना जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। किस तरीके से इम्पैक्ट, अब 1914 के अंदर में युद्ध शुरू हो गया, 1914 से लेकर 1917 तक युद्ध चला, युद्ध के अंदर में भारतीय सैनिक मरे, हमारे ऊपर में टैक्स का बोझ बढ़ा, टैक्स का बोझ बढ़ने से क्या हुआ, जमीन नीलाम होती चली गई, अलग अलग तरह के कानून व्यवस्थाएं बनाई गई, भारतीयों के ऊपर में सख्ती की गई, क्रांतिकारियों के कारण से भी अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए गए। ठीक है, तो इस तरीके के सारे इम्पैक्ट थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए, वापस से खड़ा करने के लिए क्या किया, उन्होंने धन निकासी जैसी योजनाएं स्टार्ट कर दी। धन निकासी क्या होता भैया, कि अपना धन, हमारे घर का धन भर भर के ना अपने घर ले जाना। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसे खत्म हो चुकी थी उस समय तक, 1857 तक लास्ट था उनका, ब्रिटिश सरकार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहां पे धन निकासी जैसे रूल लेकर आना, अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशंस लेकर आना, जिसके कारण से वो तो खड़े हो गए, पर हमें कहीं ना कहीं इन चीजों का फेस करना पड़ा। अब 1920-21 का जो टाइम पीरियड रहता है, 18 से लेकर 21 तक का टाइम पीरियड जो रहता है, वहां पे कई सारे हिस्सों के अंदर में त्रासदी का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ही दिया जाता है। अगर इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष निकालोगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ तो मैंने सब कुछ ऐसे बुरा बुरा ही बताया कि ये चीज हुआ, यही हुआ, इम्पैक्ट के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पर अगर आप देखोगे तो इसके प्रभाव हर कई जगह पे सकारात्मक भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्योंकि हमें एक तो उनकी नीयत का पता चल गया कि वो हमारी मदद नहीं करने वाले, जिस पर वो जिस मतलब नीयत से हमने उनकी हेल्प करी कि अगर हम उनकी हेल्प करेंगे, उनके लिए हम लड़ेंगे, तो हमें वो शायद स्वतंत्रता दे देंगे, बाकी चीजों के लिए हमें हेल्प करेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारी मदद करेंगे, बट ये चीजें नहीं थी। तो इसका सकारात्मक प्रभाव किस तरीके से देखा जाता है, सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है कि भारतीय जो सैनिक थे वो युद्ध में शामिल हो सकते थे। ठीक है, ये हमें समझ में आया कि हम भी युद्ध कर सकते हैं, हमारे अंदर में भी ये चीजें हैं। ठीक है, हमें उसके बारे में जानकारी मिली, और जो शर्तों के मुताबिक जो ब्रिटिश सरकार थी, हुकूमत थी, उसने वो पूरा नहीं किया। जब हमने युद्ध किया तो उसने हमारी जो शर्त थी उसके हिसाब से उसको पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे जो भी भारतीय थे उसके जो प्रति मोह था ना कि यार हमें ब्रिटिश सरकार की मदद करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार अच्छा है, वो कहीं ना कहीं वो मोह भंग हो जाता है,
और लोगों के अंदर में असंतोष की भावना जग जाती है। असंतोष की भावना के कारण से सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है ना वो बहुत तेजी से विकास करता है। और जहां पर भी राष्ट्रवाद की विचारधारा आएगी ना वहां पे अपने राष्ट्र के लिए जो एक इमोशन होता है ना वो जग जाता है, राष्ट्र के लिए जो प्रेम होता है ना वो जग जाता है, राष्ट्र के लिए जो इंपॉर्टेंस की कितना इंपॉर्टेंट है राष्ट्र की जब बात आती है ना वो जग जाता है, तो लोग वहां पे अपने देश को समझने लगे। इससे पहले तक तो कई सारे लोग ये मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, कॉलेज खुलवा रही है, एजुकेशन दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरीके की चीजें थी। तो जो लोग यहाँ पे सपोर्ट में उतरे थे ना कि अगर हमें सपोर्ट करेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट करेंगे, तो हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, सुशासन मिल सकता है, जब उनका मोह भंग होता है तो उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास किया जाता है। स्वतंत्रता की चेतना प्रतिपुष्ट होती चली जाती है, वापस से लोगों के अंदर में एक भावना जग जाती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए, यहाँ पे ये इसका सकारात्मक इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अतिरिक्त देखोगे तो सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जो मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया। सापेक्ष में यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि युद्ध के दौरान में जो अर्थव्यवस्था थी कई मायनों में भारतीय पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं था कि देखो इससे पहले तक की जो व्यवस्था थी ना काफी लिमिटेड थी भारतीय, पर युद्ध के दौरान में कई नई उद्योग शुरू हुए। ठीक है, जैसे देखोगे युद्ध के दौरान में भारत के अंदर में टाटा कंपनी, जैसे आप देखोगे जब टाटा कंपनी के बारे में आप पढ़ोगे तो उस समय तक आयरन की जो कमी थी हथियार बनाने के लिए, अलग अलग चीजों करने के लिए, वहां पे टाटा कंपनी का भी रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अलग अलग कंपनी, यहाँ पे मैं सिर्फ टाटा कंपनी के बारे में नहीं बोल सकता, यहाँ पे बाकी की चीजों के बारे में नहीं बोल सकता, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज यहाँ पे खुलकर आते हैं, सामने आते हैं, और सिर्फ भारत के अंदर में नहीं बाकी जगहों पर भी। तो वहां पर एक तरह से पूंजीवाद जो था ना उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष के साथ में आप आंसर यहाँ पे खत्म कर सकते हो, एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे मैंने बताया आपको। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल ब्लॉगर पे जाके नोट्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गूगल ब्लॉगर का, वहां पे नोट्स मिल जाएगा। बट रिक्वेस्ट यही करूंगा सभी व्यूअर्स से कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट होते हैं हम कि हम और अच्छे से मेहनत कर सके, आपके लिए और अच्छी वीडियोज बना सके। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं वीडियो एंड करूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।